लेकिन भीतर जाकर देखिए कि इसके इनसे जुड़े हुए ऑफिसर अभी एसी में बैठे होंगे और बहुत टेंशन में बैठे होंगे, गर्मी लग रही होगी एसी में और सर में दर्द हो रहा होगा फाइलों पे काम करते करते। इनके बच्चों को दिवाली, होली, दशहरा मनाने की इजाज़त है, इनको ज़रूरत है पैसे की। एक आम जो कर्मचारी है उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, इनको बंगले की ज़रूरत है। बंगला अगर बड़े अफसर को अलॉटमेंट ना हो तो हाय तौबा मचाते हैं सेक्रेटरिएट, जो हमारे क्वार्टर अलॉटमेंट सेक्शन में है, हम कहाँ रहेंगे। और इनको अच्छी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें एसी ठीक से काम करें, पसंद वाले ड्राइवर की आवश्यकता होती है। डीएम का बोनस में देरी क्यों, जवाब दो। डीएम का बोनस फाइलों में लटकाना हुआ ऑफिसर होशियार, एपीडब्ल्यूडी का ऑफिसर होशियार। डीएमएस का डीएम का बोनस को फाइल में लटकाने वाला एपीडब्ल्यू ऑफिसर होशियार। डीएम का बोनस देना देरी क्यों, जवाब दो। डीएम का बोनस में देरी क्यों, जवाब दो। राष्ट्रभक्त मजदूर है के नमस्कार, मैं अनुप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में आप देख सकते हैं कि मैं पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर ऑफिस हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर यहां पे मौजूद हूं। ठीक मेरे पीछे ये तमाम भारतीय मजदूर संघ के एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के जो यूनिट है और तमाम जो मज़दूर हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सब यहाँ पे गेट धरना जो है गेट में प्रदर्शन कर रहे हैं। और बहुत पुरानी मांग है इनकी, वर्षों से चली आ रही है, जो कि इनके बोनस से जुड़ा हुआ है। इनका बोनस जो लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है और बार बार अनुरोध के बावजूद भी ये इनको दिया नहीं जा रहा है। और यही कारण है कि लोगों में आक्रोश है। यहाँ पीडब्ल्यूडी जो एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट धरना ये दिया हुआ है। और सुन सकते हैं कि अधिकारियों के विरुद्ध जो स्लोगन और इनकी लापरवाही के विरुद्ध जो स्लोगन वो लगातार जारी है। हम बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि इस विषय में उनके प्रतिनिधियों का क्या कहना है और वो आगे इसको लेकर के और क्या कार्रवाई करेंगे अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया और ये इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो। चलिए हम उनसे बात करेंगे अब। चलिए इसी ये गेट प्रोटेस्ट जो है इसके संदर्भ में इस वक्त में हमारे साथ अनूप जी मौजूद हैं, जो इससे संबंधित जो हमने कहा कि बोनस के मुद्दे पे ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ, तो हम अनूप जी से जानेंगे। अनूप जी, ये बताइए कि ये विषय बोनस का कब से लंबित पड़ा हुआ है और क्या कारण है जो इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग आज यहाँ पर एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के जो संगठन है उसके बैनर में हम लोग यहाँ पर आज मज़दूरों का जो बहुत ही छोटा सा एक डिमांड लेकिन बहुत ही प्रभावी डिमांड मैं कहूँगा उसको लेकर के खड़े हैं, वो है बोनस। हम सबको पता है भारत जो एक कल्याणकारी एक वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पे हर साल भारत सरकार द्वारा जो भी कर्मचारी वो नियमित है या रेगुलर है या नहीं है, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल के एक अंतराल में या उतने महीने या कुछ दिन अगर वो काम करते हैं, भारत संघ ने उसके लिए कुछ डेज फिक्स किया हुआ है, 265 दिन ऐसे, 3 साल या 206 दिन,
उसमें अगर वो 3 साल कार्य करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं तो भारत सरकार द्वारा दिवाली के त्यौहार पर उनको एक राशि दिया जाता है जिससे कि वो उस त्यौहार को सेलिब्रेट ठीक से कर पाए। और ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, लेकिन जो DRMs और कैजुअल वर्कर्स काम करते हैं उनको भी कुछ राशि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं। लेकिन बहुत ही दुखद बात है कि जो बोनस का ऑर्डर है उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल करके PWD एडमिनिस्ट्रेशन उसको फाइलों में लटकाया जा रहा है। ये कई सालों से हो रहा है। हमने इस साल दिवाली से पहले PWD एडमिनिस्ट्रेशन को कई लेटर हमने लिखा, उसमें हमने किया कि पिछले आप नहीं दिए, क्या कारण है वो देखते रहिए। लेकिन इस साल जो 2022 का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से उनको बोनस रिलीज करने हमने उनसे आग्रह किया। और उसमें क्लियर स्पष्ट रूप भारत सरकार बोलता है कि, मैं आपको ऑर्डर भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ, कि बहुत स्पष्ट रूप से इसमें बोनस का विषय को भारत सरकार द्वारा बताया गया है कि किसको देना है या किसको नहीं देना है। ये ऑर्डर है बोनस का भारत सरकार द्वारा, ये देख सकते हैं। ये भारत सरकार द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया, इशू किया गया, उसकी कॉपी है, प्रतिलिपि है। जी हाँ, तो इस उसमें बहुत ही दिया है कि 3 साल जो एम्प्लॉई हमारे वहाँ पे काम करते हैं। और मैं ये बात कहूँगा कि प्राइवेट में भी आप देखिए, जो एम्प्लॉई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो 3 साल 4 साल 5 साल अगर काम करता है तो वो जो उनका मालिक होता है वो भी उसको दिवाली में बोनस देते हैं। भले अमाउंट कम होगा लेकिन देते हैं, क्योंकि ये हमारा संस्कृति से जुड़ा वाला विषय है। लेकिन बहुत ही दुखद बात है, कम पेमेंट में काम करने वाले जो PWD कर्मचारी है, आप देखा होगा कोविड के कालखंड में भी इतने रिस्क फैक्टर में भी इन्होंने अच्छा से प्रशासन के साथ मिल करके काम किया है। तो ऐसे हमारा तो भारत का इतिहास ही इसी से है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना छोटा सा विषय को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली PWD एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको फैला में लटका के रखा हुआ है। और एक नोटिस दिवाली के दिन से 2 सप्ताह पहले एक नोटिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने सोशल मीडिया में देखा, तो उन्होंने लिखित रूप में जारी किया कि जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको बोनस दिवाली से पहले दिया जाएगा। एक रिटर्न एक ऑर्डर भी एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर चुका। उसके उपरांत भी PWD में उस बीच में क्या घटना हुआ, फाइलों को दबाने का कोशिश किया गया, ये जानबूझ करके किया गया है। कुछ संगठनों का इसमें हाथ है, मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाना चाहूँगा, कुछ संगठन इसमें इन्वॉल्व है। उनको लगता है कि ये बोनस जो BMS और जो PWD कर्मचारी संघ के नेतृत्व में जो बोनस को लेकर के हम कंटिन्यू जो डिबेट और जो डायलॉग PWD एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर रहे हैं, उनको लगता है कि बोनस रिलीज हो जाएगा तो उनका जो दुकान चल रहा है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, क्योंकि बोनस का जो फाइल है वो कई दिन से आपके सेक्रेटरिएट के कोई ना कोई सेक्शन में कोई ना कोई बाबू के पास में फंसा हुआ है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये तकरीबन ये मामला बिल्कुल सुलझ गया था बोनस के मुद्दे पे, लेकिन अड़ंगा जो है, ये आपका आरोप है कि किसी संगठन ने इस पे अड़ंगा लगाया ताकि क्रेडिट आपको ना मिल पाए, क्या यही है? हम लोग जो संगठन है हम क्रेडिट के लिए काम करते ही नहीं है। हमने बहुत सारा काम किया है, ना हम विजय रैली निकालते हैं, ना हम कुछ करते हैं। हम जीत हार में विश्वास करते हैं। हम ना किसी को हराना चाहते हैं, ना हम जीत का खुशी मनाना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट मांग है BMS के माध्यम से और BMS के नेतृत्व में कि मजदूर के घर तक खुशी पहुँचे। तो जब प्रशासन ने जब ऑर्डर जारी कर दिया कि हम बोनस देंगे, तो उसके बाद सिस्टम में बैठे हुए कुछ अधिकारी और सिस्टम में बैठे हुए कुछ विचारधारा से जुड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं फाइलों को लटकाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि देखिए आपका मांग तो पूरा हुआ नहीं है, जो मांग को लेकर के आप बोल रहे थे कि हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा है। इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जब प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन बोलने के बावजूद भी क्या कारण है कि उसको फाइलों में रोका जा रहा है। जवाब मांग रहे हैं प्रशासन से, हम जवाब भी मांग रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि तुरंत बोनस, 26 जनवरी हमारा राष्ट्र पर्व है, उससे पहले हम आग्रह करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि बोनस तुरंत रिलीज किया जाए। चलिए अभी हम बात करेंगे हमारे साथ हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष जी ये बताइए, ये जो बोनस है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का होता है, ये क्या लगता है आपको, सिर्फ जो ऑफिसर्स हैं
उन्हीं को फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का अधिकार है और मजदूरों को नहीं है। भारत में एक समान अधिकार है सबका, और इस पे जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को जो बोनस मिलना था वो लगभग मिल चुका है। और रहा जो अडोक बोनस में जो DRM और 1/3 में जो काम कर रहे हैं APW में, तो उनका बोनस जो है फेस्टिवल से पहले देना था, और क्रिसमस भी बीत चुका, फिर अभी आ रहा है नेशनल हम लोग का फेस्टिवल आ रहा है, और इसको हम लोग संज्ञान में लेके कहीं लेटर द्वारा PW के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम में इनसे बराबर हम लोग संपर्क करके कि कितना जल्दी हो सके हम लोग इनको रिलीज़ किया जाए। तो किसी कारणवश कुछ जैसे अनुप जी ने बताए कि कहीं ना कहीं इसमें दूसरे जो हमारी संस्था जुड़े हुए यूनियन है वो नहीं चाहते कि हमारा इसमें कोई क्रेडिट और नहीं लेने का। ये गरीब आदमी की ज़रूरत का चीज़ है और उनको मिलना चाहिए, उनका हक का चीज़ है, उनको हक का जो चीज़ के लिए किसी क्रेडिट लेने का हमारा मोटो नहीं लेकिन है। हमारा कोई संगठन है जो नहीं चाहती है मजदूरों को उनका बोनस मिले और समय पर मिले। ये जो अभी जो हिसाब से प्रक्रिया चल रही है वो स्थिति तो यही दिखाती है कि इसमें कहीं ना कहीं इस रूप की खेल जो है चल रही है। इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का भी और PW के कर्मचारी भी इसमें जो है रेगुलर स्टाफ योगदान दर्शाता है। तो इससे लेके मैंने एडमिशन लेवल में ये डिस्कस किया, और आने वाले जैसे मैंने पहले भी अपना इंटरव्यू बताया कि इनको लेके मैंने जो मिनिस्टर लोग आए थे यहाँ में दौरा हुआ था उनके पक्ष भी ये मुद्दा को मैंने रखा था, और उनका आश्वासन था कि हमें टाइम बॉन्ड मिल जाए। तो मैं इसी माध्यम से अभी ये आज इस रोड में आने का रीज़न ही ये ज़रूरत पड़ा, अगर हमें टाइम भी नहीं मिल जाता और हमारी गरीब मजदूरों को उनका हक का पैसा मिल जाता तो आज मुझे यहाँ धरना प्रदर्शन करने जाता। तो ये धरना प्रदर्शन और भी अगर इसको टाइम भी और नहीं होगा तो इसको विशाल रूप से और इसको कंटिन्यू हम लोग करेंगे फ्यूचर। अगर बात आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं कि इस आंदोलन को और भी बड़ा रूप मिल सकता है। जरूर जरूर, विकराल रूप रहेगा और इससे बढ़ के रहेगा। ये मान के चलिए ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सुना आपने के पिक्चर अभी बाकी है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि क्यों इनकी छोटी सी मांगों के लिए ये लेबर्स जो हमारे मजदूर भाई हैं जिन जो बुनियाद रखते हैं किसी भी स्टेट के, कह लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट के, जो भी कामकाज होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज होते हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के, ये बुनियाद रखने वाले हैं, तो इनको अपनी छोटी से छोटी मांग के लिए यहाँ रास्ते पे उतरना पड़ता है। लेकिन भीतर जाकर देखिए कि इसके इनसे जुड़े हुए ऑफिसर अभी AC में बैठे होंगे और बहुत टेंशन में बैठे होंगे, गर्मी लग रही होगी AC में और सर में दर्द हो रहा होगा फाइलों पे काम करते करते। मगर उसी संदर्भ में फाइल नदारद हो जाती है, उनके नज़रों के सामने होती है पर दिखाई नहीं देता है। इनके बच्चों को दिवाली, होली, दशहरा मनाने की इजाज़त है, इनको ज़रूरत है पैसे की, एक आम जो कर्मचारी है उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है। इनको बंगले की ज़रूरत है, बंगला अगर बड़े अफसर को अलॉटमेंट ना हो तो हाय तौबा मचाते हैं सेक्रेटरिएट जो हमारे क्वार्टर अलॉटमेंट सेक्शन में है, हम कहाँ रहेंगे। और इनको अच्छी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें AC ठीक से काम करें, पसंद वाले ड्राइवर की आवश्यकता होती है, फिर उसी गाड़ी का इस्तेमाल करके उनको उनके परिवार के लिए सब्जी तरकारी खरीदने की जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इनके घर में चूल्हा जले या ना जले, बच्चे त्यौहार में गरीब का बच्चा कपड़े खरीदे या ना खरीदे, इससे इनका कोई वास्ता नहीं है। यही है आने वाला भारत की छवि, जो आने वाले भविष्य है ये छवि पेश कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन और उनके अधिकारी। पता है कि आंदोलन यहाँ के लोग बहुत ही भावुक और शांत प्रकृति के हैं, ये ज़्यादा चिल्लाते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं, यहाँ पे अपना काम करते जाओ, बटोरते जाओ और समय आने पे यहाँ से निकल लो। ये बिल्कुल साफ तौर पे इनकी मानसिकता, जिसको हम कहते हैं माइंडसेट, तैयार है।
अब आने वाला वक्त क्या मोड़ लेगा और क्या करवट बदलेगी, जैसे कि अभी अभी हमने बात की है अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ के, उनसे भी बात की है, तो आने वाले उस विराट रूप का प्रदर्शन यहाँ पे ना देखने को मिले, इसलिए तमाम अधिकारियों से, इनसे संबंधित इनसे अनुरोध है कि अपने परिवार के जो मोह माया के जाल में बंधन में आप जकड़े हो, थोड़े से उसी मोह माया के नज़र से, उसी प्यार और स्नेह की भावना से ज़रा इनकी तरफ भी देख लीजिए, इन मजदूर गरीब मजदूरों की तरफ भी देख लीजिए और इनका थोड़ा भला कर दीजिए। ये अपने अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, जो इनका अधिकार है बोनस उसकी मांग कर रहे हैं। आपकी सैलरी रोक दी जाए तो आपको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। वैसे हमें ये भी पता है सैलरी रुक जाने से आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, तब भी आपका चूल्हा जल जाएगा लेकिन इन मजदूरों का नहीं जलेगा। ये मजदूरी करते हैं और आपसे उस मजदूरी का हक मांगते हैं, तो एक बार फिर से मैं विनती करूंगा इन मजदूरों का हक इनको दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि फिर से कोई इस शांत वातावरण वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक और कोई बड़ा प्रदर्शन थोड़े से बोनस के लिए हमें देखने को मिले। ऐसे अनुरोध के साथ मैं कैमरामैन थॉमस के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष, आज तक।